नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया के पॉजिटिव न्यूज पॉडकास्ट में, जहां एक ओर लोग कोरोना महामारी के कारण अपने अपने घरों में रहकर सुरक्षित हो रहे हैं, वहीं इसी बीच कुछ लोगों के नेक कामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां डॉक्टर, पुलिस कर्मी और बैंक कर्मियों की सराहना हो रही है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना लाइमलाइट में आए इन कोरोना वॉरियर्स की भी मदद कर रहे हैं। इस महामारी में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, वहीं कुछ सिक्योरिटी कर्मी, दफ्तर के सफाई कर्मी, दफ्तर रखरखाव के कर्मचारी भी उनको सुरक्षित करने और सुविधा देने का काम बहादुरी एवं तत्परता से कर रहे थे। कहा जाता है कि जरूरत के समय अगर एक हाथ उठे तो हजारों तैयार रहते हैं। इसी कड़ी में GACS एवं कुशमैन एंड वेकफील्ड की साझेदारी ने इनकी हर संभव सहायता करने का प्रयास किया। देश के हर कोने में बिना स्वार्थ के काम कर रहे ऐसे लोगों को लगभग 3000 PPE किट बांटी गई। समीर सक्सेना ने कहा कि आज जरूरत है कि जो लोग हमें सुरक्षित कर रहे हैं, उन्हें हम हर संभव सुरक्षा का वातावरण दें। राहुल लाल ने कहा कि GACS अपनी योजनाओं से मदद करता आ रहा है। इसके साथ ही हाल ही में उन्होंने मजदूरों के लिए मास्क भी बांटे हैं। कर्नल अशोक प्रभाकर ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने सुरेंद्र बिष्ट और जतिन लूथरा को इस काम के लिए बधाई भी दी। कैप्टन राजेश ने भरोसा जताया है कि GACS इस मुसीबत की घड़ी में लोगों की सहायता के लिए कमिटेड है। GACS फाउंडेशन के बारे में अजीत पांडे ने बताया कि ये फाउंडेशन हमेशा से ही समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए आगे आते रहा है। नेक इन इंडिया GACS के इस नेक काम को सलाम करता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही पॉजिटिव न्यूज और खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।